शहर के जो विज़िट किया है वो काफ़ी मुझे बेहतर सूरतेहाल नज़र आ रही है। एक तो सफाई की सूरतेहाल बहुत बेहतर नज़र आई है और फिर ख़ास तौर पे मेरा इंटरेस्ट था कि मैं ये दो पार्क देखूं, क्योंकि जब शुरू में आया था तो इसके पार्क्स की बड़ी बुरी हालत थी, लेकिन अब ये बड़े अच्छे साफ़ सुथरे वेल मेंटेन्ड हैं। लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़वातीन इस्तेमाल कर रही हैं, तो मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई है। और इस तरह के विज़िट्स जारी रहने चाहिए, इवन कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इन सबको आना चाहिए, क्योंकि विज़िट के साथ ज़रूर बेहतरी होती है। आज आपने देखा है विज़िट रखा हुआ है तो सफाई वाले भी आए हुए हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि ये अब इनका डेली का ये प्रोसेस है सफाई वाला, और अच्छी मेंटेनेंस नज़र आई है। फिर मैं आज गया था जूनियर असिस्टेंट कॉलोनी में, पहले भी मैं एक दफ़ा गया था, उनकी लिविंग कंडीशन बहुत ही बुरी है, बहुत ही बुरी है, और वहाँ उस वजह से बीमारियाँ भी बहुत आती हैं। हेपेटाइटिस का वहाँ बहुत है, कोई बच्चों के खेलने की जगह कोई नहीं है, कोई उनके बच्चों की नशोनुमा नहीं वहाँ हो सकती, कोई उनको एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड कभी भी नहीं मिल सकता ता क़यामत अगर उसमें कुछ ना हुआ। तो उसमें वज़ीर आला साहब का भी ख्याल था और मेरा भी इस चीज़ का शौक ही रहता है, जगह भी बड़ी खूबसूरत है, तो वहाँ पे हमारी ये ख्वाहिश है कि हम अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनाएँ। वहाँ पर 260 घर हैं इस वक्त, 15-16 एकड़ जगह है, 260 घर हैं। अगर हम उनको अपार्टमेंट्स बना के उन घर से उनको वहाँ अपार्टमेंट में शिफ्ट करें तो मुझे यकीन है कि बीच में ग्रीन एरिया बहुत निकल आएगा, प्लेइंग एरिया निकल आएगा, कुछ शॉप्स की एरिया निकल आएगा, और सफाई हो जाएगी, पोल्यूशन जो शहर में फैल रही है वो ख़त्म हो जाएगी, और एक बड़ी अच्छी जगह जहाँ हॉश पॉश डेवलपमेंट है वहाँ पे एक तरीके से डेवलप्ड एरिया होगा। और अगर इसमें कामयाबी होती है तो फिर साथ ही वादत कॉलोनी का काम भी टेकअप करना चाहिए, और इस कॉलोनी के जूनियर असिस्टेंट कॉलोनी के ऑपोजिट भी एक रोड के पास भी एक जगह है, उसको भी ठीक करने वाली है। तो ये एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है, अल्लाह करेगा इसमें कामयाबी होगी। सेक्टरी बिल्डिंग्स मेरे साथ हैं, एसीएस डेवलपमेंट मेरे साथ हैं, तो ये बड़ी जल्दी 2-4 दिन में ये समरी मूव हो जाएगी। और ये लोगों को ये भी बताया, मैं वहाँ भी बता के आया था लोगों को, कि वो ये ना समझें कि उनको बेघर किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे हम कोई ऐसा कुछ स्पॉट ढूंढेंगे जहाँ पे एक अपार्टमेंट बनाएं, फिर लोगों को आहिस्ता आहिस्ता उसमें शिफ्ट करें, फिर दूसरी जगह जहाँ से लोग शिफ्ट हुए हैं उनको डिमोलिश करके एक और अपार्टमेंट बनाया जाए। 4-5 साल का प्रोजेक्ट ये होगा, लेकिन हमने स्टार्ट ले लिया तो मटन मार्केट को गिराया गया, लेकिन अभी तक कोई दुकानें वहाँ पर तामीर नहीं हुई। अच्छा, मैं उसको देख लूँगा, मैंने विजिट अभी तक नहीं किया। मकान था मिजान चौक पर जो शहर के बीच, वो भी देख लेंगे। इस तरह की और भी काफ़ी सारी जगह बनने वाली हैं। फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का एक और विज़न भी है कि यहाँ पे लो कॉस्ट हाउसिंग बननी चाहिए, उस पर भी काम शुरू है। अब सिर्फ उसकी एक कैबिनेट अप्रूवल रिक्वायर्ड है, इंशाल्लाह वो भी गरीब लोगों के लिए खासे 4-5 हज़ार घर बन जाएंगे। सर, शहर में पानी का मसला है, कई दहाइयों से चल रहा है, इस हवाले से जो टैंकर यहाँ पर माफिया है जी, वासा वालों को मैंने हदायत की है कि वो ओवरहेड टैंक्स की तजवीज़ बनाएं, एक स्कीम बनाएं, और वहाँ पे उस रिजर्वायर से सारे घरों को पानी जाए। और ये सीएम साहब कई दफ़ा कह चुके हैं, वासा वाला टास्क दिया हुआ है,
कि मीटर्स लगने चाहिए सबके घरों में, जितना पानी इस्तेमाल करें उतना बिल भी दें, ताकि हम फिर पानी मुहैया करने के लिए कोई ओवर टैंक्स बनाएं, उनके रिपेयर मेंटेनेंस करें, ट्यूबवेल्स लगवाएं। तो उम्मीद है कि टैंकर माफिया ख़त्म हो जाएगा जब ओवर टैंक्स बन जाएंगे और हम खुद पानी को मैनेज करेंगे। लेकिन इसमें लोगों की कोऑपरेशन बड़ी चाहिए होती है, लोग कोऑपरेट नहीं करते, लोग 200 रुपये बिल नहीं देते, 150 रुपये बिल नहीं देते, तो कैसे गवर्नमेंट काम चलाएगी। तो लेकिन फिर भी मेरा ये ख्याल है कि अगर हम लोगों को अच्छी एनवायरनमेंट दें और अच्छी चीज़ मुहैया करें तो फिर लोग भी कोऑपरेट करेंगे। एनेबलिंग एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं ना, वो अगर होगी तो फिर लोग उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। सर, शहर में जो एनक्रोचमेंट का एक मामला है और दूसरी जानिब जो है ट्रैफिक का बेतहाशा रश है, तो ट्रैफिक के हवाले से क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं क्वेटा डेवलपमेंट पैकेज के हवाले से? सरयाब रोड भी है, रेडियो पाकिस्तान वाली रोड है, फिर ये एक लिंक रोड बन रही है सरयाब रोड से ईस्ट बाईपास की तरफ, रेडियो पाकिस्तान वाली वेस्टर्न बाईपास की तरफ बन रही है, उससे खासी ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगी। एक तो ये, दूसरा फिर ओवर हेड ब्रिजेस और कुछ 3 अंडर पासिस भी डिज़ाइन हुए हुए हैं, तो ये जब इम्प्लीमेंट सारा हो जाएगा तो फिर ट्रैफिक का मसला कुछ हल होगा। और फिर अगर हमने कॉलोनीज़ बाहर निकाल दी और लोगों को क्वेटा शहर को अगर हमने पेशीन की तरफ हमने फैलाना शुरू किया या कुछ लाख की तरफ, तो फिर आई एम श्योर कि इस पे लोड कम हो जाएगा। अच्छा सर, ये पोजीशन में ये जो है खुदाई होता है, खुदाई के बाद जो है उन्हें जो है मिट्टी डाल के उसी तरह छोड़ा जाता है। खुदाई देखें, आजकल सिर्फ खुदाई अगर हो रही होगी तो सेफ सिटी के हवाले से हो रही होगी, सेफ सिटी वाले रिहैबिलिटेट ज़रूर करते हैं और करवाएंगे उनसे, वो प्रोजेक्ट में शामिल है। दूसरी खुदाई वगैरह होती है जब हमने कोई डेवलपमेंट का काम करना होता है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि जितनी भी रोड्स के काम अब डेवलपमेंट के होने हैं, नई रोड्स चौड़ी चौड़ी बननी है, उनके साथ ये यूटिलिटी कॉरिडोर भी बनेगा, तो दोबारा उसको खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।